वर्ण भाग दो। वर्णमाला में स्वर, व्यंजन और संयुक्ताक्षर होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र दो व्यंजनों के मिले हुए रूप संयुक्त व्यंजन हैं। जैसे क्ष बराबर क जोड़ श, त्र बराबर त जोड़ र, ज्ञ बराबर ज जोड़ इया, श्र बराबर श जोड़ र। इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। ये वर्णमाला के अंत में लिखे होते हैं। वर्णमाला के वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्द बनाते समय वर्णमाला के सभी वर्णों से सही वर्ण चुनकर इस तरह जोड़ते हैं कि अर्थ निकल आए। हमने जोड़ा क ल म बराबर कलम, ल क म बराबर लकम। कोई चित्र या अर्थ नहीं और कोई शब्द नहीं। फल, फूल, फली, फूली सब शब्द हैं, क्योंकि इन सब के अलग अलग अर्थ हैं। इन सब शब्दों में अंतर है। फल और फूल में पहले फ है और फिर फूल लिखा है। दोनों शब्दों में अंतर है। दोनों के अर्थों में भी अंतर है। यह अंतर मात्रा लगने के कारण आया है।